In the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Assalamu alaikum, dear students. I am Sehrish from Excel Group of Colleges. We know you were worried about your education, so here Excel Group of Colleges is providing you with a golden chance of joining our online classes. So we welcome you all in our pre-first year online classes. This is Business Mathematics Level 1. We are going to start with our paper pattern. आपको पेपर आएगा 50 मार्क्स का, जो बेस करेगा ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप पे. ऑब्जेक्टिव टाइप की बात की जाए तो आपके पास 10 मार्क्स के 10 एमसीक्यूज होंगे. अगर हम बात करें सब्जेक्टिव टाइप की, तो सब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका कंसिस्ट करेगा शॉर्ट क्वेश्चंस के 2 पोर्शन पे और लॉन्ग क्वेश्चन के 1 पोर्शन पे. शॉर्ट क्वेश्चंस के दोनों पोर्शंस मिला के मार्क्स बनेंगे 24. फर्स्ट पोर्शन में आपको 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, जबकि सेकंड शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन में आपको 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे. लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो उनके टोटल मार्क्स हैं आपके पास 16, जिसमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और लॉन्ग क्वेश्चंस के पोर्शन सब डिवाइडेड होंगे 2 पोर्शंस में, यानी कि अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें तो वो पार्ट ए और पार्ट बी पे बेस करेगा. तो इस तरह आपका बिजनेस मैथ का पेपर 50 मार्क्स का बन जाएगा. वी आर मूविंग टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 5, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा. इंट्रोडक्शन इज, प्रैक्टिकली स्पीकिंग द मैट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स इज अ मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग एंड एनालाइजिंग टू वे क्लासिफाइड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन. प्रैक्टिकली बात करें तो मैट्रिक्स हमारे पास बेसिकली क्या है, टू वे क्लासिफाइड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना और उसको एनालाइज करना. इंफॉर्मेशन इज रिगार्डेड एज टू वे क्लासिफाइड इफ टू रेफरेंसेस आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. हमारे पास इंफॉर्मेशन टू वे क्लासिफाइड तब कब बनेगी, जब हमारे पास 2 रेफरेंसेस रिक्वायर्ड होंगे उसको कंप्लीट समझने के लिए, उसको कंप्लीट सॉल्व करने के लिए. फॉर एग्जांपल, कलेक्ट पर केजी ऑफ आइडेंटिकल क्वालिटी ऑफ राइस, शुगर एंड घी फ्रॉम 2 शॉप्स. मिसाल के तौर पर आप पर केजी शॉप पे जाएं, 2 शॉप्स पे, जहाँ से आप राइस, शुगर और घी को लें. सपोज़ यू हैव कलेक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. फ़र्ज़ करें कि आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गेन हुई है. फूड आइटम्स हैं आपके पास राइस, शुगर, घी. जब आप शॉप ए पे गए तो राइस आपको 85 में मिला, शॉप बी पे गए राइस आपको 90 में मिला. शुगर की बात करें तो शॉप ए से आपको 72 में मिला, शॉप बी की बात करें तो शुगर 70 में मिला. घी शॉप ए पे 160 में अवेलेबल है, और इसी तरह शॉप बी पे घी 165 में अवेलेबल है. द कलेक्टेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मे बी प्रेजेंटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 2 ब्लॉक्स. ये जो इंफॉर्मेशन आपने ली है इसको आप 2 ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट ब्लॉक की बात की जाए तो शॉप ए को कॉलम वाइज अरेंज किया गया और शॉप बी भी कॉलम वाइज अरेंज्ड है. शॉप ए में लिखा है आपके पास 85, 72, 160. इसी तरह ब्लॉक में आपके पास लिखा है 85, 72, 160. शॉप बी है आपके पास 90, 70, 165. इसी तरह ब्लॉक में देखें तो कॉलम वाइज अरेंज्ड है आपके पास 90, 70, 165. फर्स्ट ब्लॉक की बात हो गई तो शॉप ए और शॉप बी को कॉलम वाइज अरेंज किया गया है. सेंटर में आपके पास लिखा है और का मतलब होता है या आप फर्स्ट ब्लॉक की सूरत में लिख लें
या आप सेकंड ब्लॉक की सूरत में लिख लें। सेकंड ब्लॉक में हमारे पास डेटा एंटर है रो सूरत में, यानी कि रो की फॉर्म में। शॉप ए है आपके पास 85, 72, 160। इसी को आपने रो की फॉर्म में किस तरह लिखा है, 85, 72 एंड 160। इसी तरह शॉप बी को रो की फॉर्म में लिखा है, 90, 70, 165। Every above stated block of information in mathematics is recognized as a metric. हर जो data enter है ऊपर वाले block में, अगर उसको हम mathematics की ज़ुबान में कहें तो वो basically एक matrix बनाता है. Hence we may define a matrix in the following terms. आप matrix को इस तरह define कर सकते हैं. Matrix. Matrix is a block presentation of two-way classified set of information arranged in rectangular form of rows and columns. Matrix हमारे पास क्या है? ये block presentation है, दो किस्म की information को arrange करना rows और columns की form में. If we have m by n real numbers and arrange them into rectangular array having m rows and n columns, then we obtain a matrix of order m cross n. अगर हम बात करें m cross n real numbers की और उनको हम arrange करें rectangular form में जिसमें m rows हों और n columns हों, तो हमारे पास जो matrix को order बनेगा वो होगा m cross n, जैसे कि नीचे figure में given है. आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में डेटा अरेंज है रोज़ और कॉलम्स की सूरत में. अगर मैं फर्स्ट रो की फॉर्म की बात करूँ तो वो ग्रीन से रिप्रेजेंट किया गया है. A11, A12, up to A1n. सेकेंड रो की बात करूँ तो वो है आपके पास A21, A22, up to A2n. थर्ड रो की बात करूँ तो वो है आपके पास A31, A32, up to A3n. एम रो की बात करूँ तो वो है आपके पास AM1, AM2, up to AMN. फर्स्ट कॉलम आपका रिप्रेजेंट किया गया है रेड कलर में, जो कि आपके पास है A11, A21, A31, up to AM1. सेकेंड कॉलम है A12, A22, A32, up to AM2. एन कॉलम की बात की जाए तो वो है A1n, A2n, A3n, up to AMN. इज आ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स. तो बेसिकली ये हमारे पास एम क्रॉस एन मैट्रिक था. द नंबर्स A11, A12, A13 एक्सेट्रा आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स. सो बेसिकली उसमें जो एंट्रीज थी A11, A12, A13 वो बेसिकली उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स थे. द वर्टिकल लाइन्स आर नोन एज कॉलम and horizontal known lines are known as rows of the matrix. So basically vertical lines column ko represent kar rahi hain aur horizontal lines rows ko represent kar rahi hain. Test the element aij. The first suffix I will always show the position of the element with reference to the rows. Agar hum element ki baat ki jaye to wo hai aij, जिसमें फर्स्ट सुफिक्स आई है और सेकंड सुफिक्स आपके पास जे है. तो फर्स्ट सुफिक्स आई रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ द एलिमेंट विद रेफरेंस टू द रोज, यानी कि रोज की पोजीशन को बता रहा है कि वो कहाँ पे है. एंड सेकंड सुफिक्स जे इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट विद रेफरेंस टू द कॉलम, जबकि सेकंड सुफिक्स इंडिकेट कर रहा है कि कॉलम किस पोजीशन पे मौजूद है. The above mentioned m cross n matrix may be written as. इस
मैट्रिक्स को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि सबसे एंड पे रिप्रेजेंट है ए आई जे इंटू एम क्रॉस एन। ए आई जे बेसिकली आपके पास मैट्रिक्स है जिसको ऑर्डर आपके पास एम क्रॉस एन है, वेयर आई इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू एम एंड जे इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू एन। आई आपका स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर एम तक, जबकि जे स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर एन तक। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। हेयर वी आर रिप्रेजेंटिंग फ्यू मैट्रिसेस विद देयर ऑर्डर्स। आपके पास फर्स्ट रो क्या है, 5, 8, 7, 2, 5। सेकेंड रो है आपके पास 9, 2, 3, 1, 0। थर्ड है आपके पास 7, 2, 0, -6, 4। फोर्थ रो है 4, -7, 9, 5, 3। फर्स्ट कॉलम की बात की जाए तो वो है 5, 9, 7, 4। सेकेंड कॉलम है 8, 2, 2, -7। थर्ड कॉलम है 7, 3, 0, 9। फोर्थ कॉलम है 2, 1, -6, 5। फिफ्थ कॉलम है 5, 0, 4, 3। तो इस तरह अगर हम देखें तो हमारे पास ऑर्डर में क्या आएगा, पहले हम रोज़ को मेंशन करेंगे, देन हम कॉलम्स को मेंशन करेंगे। रोज़ है आपके पास 4, कॉलम है आपके पास 5। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, 4×5। एक और हम एग्जांपल से समझते हैं कि ऑर्डर क्या है हमारे पास। सबसे स्टार्ट पे आपके पास है, फर्स्ट रो है -2, 6। सेकंड है 4, -3। थर्ड है 9, -8। फर्स्ट कॉलम है -2, 4, 9। सेकंड कॉलम है 6, -3, -8। सो इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि इस मैट्रिक्स में 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या है, 3×2। मिड वाली है आपके पास जिसकी फर्स्ट रो है 2, 10, 1, -8। सेकंड है -3, -3, 2, 3। थर्ड है 4, -2, 3, 4। फोर्थ रो है आपके पास 8, -4, 4, 6। फर्स्ट कॉलम इसका क्या बनेगा, फर्स्ट कॉलम है 2, -3, 4, 8। सेकंड है 10, -3, -2, -4। थर्ड कॉलम है 1, 2, 3, 4। फोर्थ कॉलम है -8, 3, 4, 6। सो इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि इस मैट्रिक्स के 4 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा, 4×4। लास्ट है आपके पास जिसके सिर्फ एक ही रो है, वो है -2, 5, 6, जिसके 3 कॉलम हैं, -2, 5, और 6। तो इसके ऑर्डर है आपके पास 1×3। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू आस्क। थैंक यू।